हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ ऑथेंटिक गुजराती डिश दाल ढोकली। देखिए इसकी रेसिपी। दाल की रेसिपी मैं दे चुकी हूँ अगली रेसिपी में। अब मैं इसी दाल से दाल ढोकली बनाऊंगी। ये एक कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें एक छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। और 2 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए हमारा आटा अच्छी तरह से, मसाले और आटा सब मिक्स हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंदेंगे। सॉफ्ट आटा गूंदना है ढोकली के लिए। ये देखिए हमारा आटा अच्छी तरह से गूंद गया है। इतना सॉफ्ट रखना है हमको आटा। अच्छी तरह से सब कुछ मिक्स करने के बाद इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे और आटे पे अच्छी तरह से लगा के मसल लेंगे। ये देखिए हमारा आटा अच्छे से हो गया है। अब इसके हम बड़े बड़े पेड़े बनाएंगे। ये देखिए मैंने ऐसे बड़े बड़े पेड़े बना लिए हैं। अब इसको 5 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है। हमारा आटा 5 मिनट तक ऐसे रेस्ट करता है, तब तक हम दाल उबालेंगे। जो मैंने ये दाल बनाई थी वो मैंने एक छोटी पतीली ली है। कुकर में हम दाल ढोकली बनाएंगे। इससे बहुत जल्दी बन जाती है और किसी किसी को पता नहीं चलता है कि ढोकली कुक हुई है कि नहीं हुई। इसमें कुछ देखने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से बन जाती है। इसके लिए मैंने कुकर में ये 4 चम्मच तेल डाला है, वो गर्म हो गया है। अभी इसमें 1 छोटी चम्मच अजवाइन डाली है। अजवाइन डालने से क्या होता है कि दाल ढोकली खाने से जो गैस होता है वो नहीं होता है। 1 छोटा चम्मच मस्टर्ड सीड डालेंगे। आधी छोटी चम्मच हींग डालेंगे और 15 से 20 कड़ी पत्ता डालेंगे। फिर जो हमने ये दाल तैयार की थी वो इसमें डालेंगे और ये इसी एक 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 पतीली दाल थी तो हम 2 पतीली पानी डालेंगे इसमें। ये 2 पतीली मैंने पानी डाला है। अभी हम इसमें सारे मसाले फिर से करेंगे क्योंकि हमने पानी डाला है इससे कब हमको मसाला डालना है। ये 1 नींबू का रस मैं डाल रही हूँ। दाल ढोकली में पीनट बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद है। आपको कम पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं। मैं 1 छोटी कटोरी पीनट डाल रही हूँ। एक छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी और 2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर डाल रही हूँ और स्वाद के अनुसार नमक डालना है। सिर्फ पानी के भाग का ही नमक डालना है। दाल में तो मैंने सारे मसाले किए थे इसलिए सिर्फ दाल के भाग पानी का भाग का ही नमक डालना था। सारे मसाले डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है। अभी थोड़ा पानी की ज़रूरत लग रही है, अभी मैं थोड़ा और पानी डालूंगी। अभी और पानी की ज़रूरत है क्योंकि अभी हम जो ढोकली डालेंगे वो आटे की है तो ये पानी और दाल कम होगी।
तो वो बहुत ठीक रहेगी, इसलिए पानी इसमें ज़्यादा डालना है। अब हम धीमी आंच पे इसको उबालेंगे। अब इसमें हम ये दो बड़े टुकड़े गुड़ के डालेंगे। अब हम धीमी आंच पे इसको उबालेंगे। ये उबल रही है तब तक मैं ढोकली बेल रही हूँ। इसको मैं ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बेल रही हूँ। ये बड़ा पेड़ा लेके सूखे आटे में लगाना है। ये बड़ी रोटी बेलनी है इसलिए मैं प्लेटफॉर्म पे ही बेल रही हूँ। अगर आपको चकले पे बेलना हो छोटी छोटी, तो आप चकले पे ही छोटी छोटी रोटियाँ बेल सकते हैं। इसको बहुत ही पतला बेलना है, मोटा बिल्कुल भी नहीं रखना है। ज़रूरत के हिसाब से आप सूखा आटा डालते जाएं और बेलते जाएं। देखिए इस तरह से मोटी और इतनी पतली बेलनी है ताकि पकने में कोई दिक्कत ना हो और कच्ची ना। वैसे कुकर में पका रहे हैं तो कच्ची तो वैसे भी नहीं रहेगी, पर फिर भी इतनी मोटी बेलनी है। इस तरह से हम सारी रोटियां बेल लेंगे। देखिए मैंने सारी रोटियां बेल ली है, तब तक हमारी दाल भी उबल गई है। ये देखिए हमारी दाल भी उबल गई है। अब इसमें हम ये रोटियों को काटेंगे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पट्टा लगाना है ऐसा बड़ा वाला। फिर इसके बाद इसमें ये इस तरह से पट्टा लगा के छोटी छोटी कट करनी है हमको। ये देखिए ऐसी छोटी छोटी कट हो गई। अब इसको हम ये उबलती कुकर में उबलती हमारी दाल है उसमें डालेंगे। सारी रोटियों को इस तरह से कट करके हम इस उबलती दाल में डाल देंगे और बीच बीच में हिलाते रहना है। अब देखिए मैंने सारी ढोकली कट करके इसमें डाल दी है और ये दाल भी अच्छी तरह से उबल रही है। अब हम कुकर का ढक्कन लगा के इसको 2 सीटी आने तक ऐसे ही रहने देना है। 2 सीटी के बाद आपकी दाल ढोकली तैयार हो जाएगी। बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू। देखिए 2 सीटी हो गई है हमारी और कुकर भी सारा ठंडा हो गया। इसे में सारी स्टीम निकल गई है। इसको हम खोलेंगे। देखिए हमारी दाल ढोकली कितनी अच्छी तरह से तैयार हो गई है। सब कुछ एक रस दाल हो गई है और ढोकली भी हमारी पक गई है। अब इसको हम सर्व करेंगे। ये देखिए हमारी दाल ढोकली तैयार हो गई है। बहुत ही इजी बन जाती है, हेल्दी है, टेस्टी है और बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली ऑथेंटिक गुजराती दाल ढोकली हमारी तैयार है।